यूपी के कई अधिकारी योगी से परेशान, कईयों की जाने वाली है कुर्सी, कई पहुंचे दरबार। योगी का आदेश यूपी को सुधारो नहीं छोड़ दो कुर्सी, अधिकारियों की पोस्टिंग में भी खेल। बुलडोजर मॉडल 2 लॉन्च करेंगे योगी, माफिया ही नहीं अधिकारियों पर भी चलाना पड़ेगा बुलडोजर। अब तक जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों का यूपी में गला सुखाया है। यूपी में योगी का फरमान सुनते ही कईयों की सांसें थम गई हैं। सियासत नहीं काम करते हैं, चलो यूपी में बदलाव करते हैं का नारा देके सरकार ने लापरवाह अधिकारियों को फंसा दिया है। सोशल मीडिया पे टाइट रहने वाले अधिकारियों का काम ही सबसे बुरा है। योगी सरकार अधिकारियों का सर्वे करवा रही है किसका काम कैसा है। बरेली में 2 गुटों में फायरिंग हुई, योगी ने SSP को 48 घंटे में हटा दिया। DM SSP सर्वे की जद में है, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं जाना होगा। अब DM सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठेंगे, जिले के एक एक गांव में जाएंगे। जनता दरबार में योगी तक कोई समस्या पहुंची तो नापे जाएंगे जिले के DM SP। चुनावी नतीजों के बाद यूपी में लगातार बैठक चल रही है। दावा किया जा रहा है कि योगी आर पार के मूड में आ गए। योगी का काफिला 26 जुलाई शाम 4 बजे गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से होकर जा रहा था। उसी दौरान कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान योगी के काफिले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें गंदगी दिखाई दी और उन्हें आसपास होर्डिंग्स टंगे दिखाई दिए। इस बात से योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए और गुस्से से लाल हो गए। तुरंत अधिकारियों को बुलाया गया और पूछा गया ये चल क्या रहा है। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की सांसें भर आई। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को नोटिस भेजा, पूछा ये सब कैसे हुआ। योगी के कार्यक्रम से पहले ही होर्डिंग नहीं हटे, फिर जनता का काम कैसे होगा। जिन अधिकारियों को CM का डर नहीं तो फिर उन्हें जनता का कैसे होगा। इसी बात पर योगी गुस्से से लाल हो गए, तुरंत नगर आयुक्त को बुला लिया। यूपी सरकार का आदेश है कि किसी भी हाल में कुछ भी करो जनता का काम होना चाहिए। ग्राम प्रधान हो या फिर निचले स्तर के कर्मचारी, सबको मिलकर जनता का काम करना होगा। इसीलिए यूपी में कई तरह के सर्वे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे हीरो बनने वाले अधिकारियों को लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कोई भी मीडिया या सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं बोल देगा। योगी जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ लोग आते हैं जिनका काम जिले में नहीं हो पाता है। जिले के अधिकारी क्या करते हैं, क्या होता है वहाँ जब जनता का काम ही पूरा नहीं किया जाता है। योगी इस बात से ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, दिन रात काम फिर भी जनता ही क्यों परेशान। अधिकारियों का लेट से आना, जनता का फोन तक नहीं उठाने में दोष किसका है, जिम्मेदार कौन होगा। हर अधिकारी के पास एक COG नंबर होता है, क्या आपने कभी उस पर कॉल किया है, क्या वो फोन उठा, क्या वापस अधिकारी ने आपके कॉल का जवाब दिया। अगर ऐसा होता है तो आप यूपी सरकार या फिर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पे शिकायत कर सकते हैं कि फला जगह के अधिकारी ने COG नंबर पर आपके फोन का जवाब नहीं दिया। जनता की शिकायतों की सुनवाई करने और उनपे कार्रवाई कर उन्हें दूर करने के लिए यूपी सरकार ने जनसुनवाई समाधान पोर्टल यानी www.jansunwai.up.nic.in बना रखा है। यहाँ कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इसके अलावा आप अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। अगर कार्रवाई में देरी हो रही है तो आप सरकार को सीधे रिमाइंडर भेज सकते हैं। शिकायत के निस्तारण के संबंध में सुझाव भी दे सकते हैं। अधिकारियों की शिकायत की आदत डाले, योगी को बताया कौन अधिकारी कैसा है। हो सकता है आपका काम ना हो लेकिन ऐसे अधिकारियों की कुर्सी पक्की जाएगी। 1076 पे कॉल करके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, वहाँ 24 घंटे सेवा उपलब्ध होती है। यहाँ पर भी बात नहीं बनी तो आप सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके आवास पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक CM ऑफिस का नंबर है 2236181 2289010 2236167 दर्ज है, जबकि CM आवास का नंबर सरकारी वेबसाइट के मुताबिक 2236838 नंबर दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है विभाग के मुखिया की, जैसे जिले का मुखिया DM को कहा जाता है। अगर वहाँ पे कोई शिकायत आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आप सीधे DM की शिकायत CM से करिए।
जैसे एसएसपी लेवल पर आपकी शिकायत है तो वहां करिए पहले, अगर नहीं होती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय से करिए। अगर सीडीओ लेवल पे कोई शिकायत हो तो पहले आप डीएम से करिए, नहीं बात बने तो सीएम से करिए। काम तो करना पड़ेगा, अब अधिकारियों की दादागिरी नहीं चलेगी। आपके शिकायत पर एक्शन हो जाए ऐसा कहा नहीं जा सकता। हालांकि अगर शिकायत करने वालों की संख्या ज्यादा हुई तो पक्का है सरकार ऐसे अधिकारियों को नाप देगी। इसीलिए तो योगी के गुस्से के कारण कई अधिकारी दिल्ली दरबार तक पहुंच रहे। साहब कुछ भी करो, बस यूपी में मेरी कुर्सी बचा लो।